गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम शिवम सक्सेना, योर सोशल साइंस टीचर. इन द प्रीवियस मॉड्यूल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्यू मेजर थिंग्स ऑफ द चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशंस. लाइक वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाई द रेवोल्यूशन टेकन प्लेसेस एंड व्हाट हैड हैपेंड आफ्टर द रेवोल्यूशंस. ठीक है, वी वर ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट दैट वी जनरली कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च इन फ्रांस. ठीक है, एंड देन आफ्टर वी हैव जस्ट सिंपली डिस्कसिंग अबाउट दैट आफ्टर द मोनार्च देर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैड्स इन द मोनार्चिकल सिस्टम और दैट वॉज बींग अडॉप्टेड बाई अ थर्ड स्टेट सोसाइटीज. ठीक है, और वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट द होल सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू द टू पार्ट्स. अर्ली इट वॉज इन अ थ्री पार्ट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, बट आफ्टर दिस थ्री पार्ट्स वॉज कन्वर्टेड इन टू अ टू मेजर ग्रुप्स, दैट वॉज एक्टिव सिटीजन ग्रुप और पैसिव सिटीजन. ठीक है, और दे बेसिकली फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज द पैसिव वॉज अ ग्रुप वे वॉज नॉट बेसिकली गिवन द राइट टू द वोट. ठीक है, ऐसे लोग जो नॉन प्रॉपर्टाइज थे, विमेंस हैं, बच्चे हैं, उनको पैसिव ग्रुप्स में रखा गया था, तो समहाउ दे वर फेसिंग एलिनेटेड फ्रॉम द पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. ठीक है, सो दे स्टार्ट मेकिंग देयर द पर्सन दोज हू गोज अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस ग्रुप मीन्स पैसिव ग्रुप कैटेगरीज, दे स्टार्ट मेकिंग देयर ओन क्लब्स. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वेरी फेमस क्लब ऑफ जैकोबिन क्लब एंड वी वर डिस्कस अबाउट द फोकस और द फंक्शंस ऑफ द जैकोबिन क्लब. जो जैकोबिन क्लब्स के जनरली लोग होते थे वो एक ट्राउज़र स्ट्रेप्स वाले ट्राउज़र्स पहनते थे, उनके ट्राउज़र पे लाइन हुआ करती थी. इस टाइप से हम लोगों ने जनरली डिस्कस किया है. ठीक है, अब हमने उसके जस्ट बाद जो डिस्कस किया था, जैसे हमने पहले इस बात को डिस्कस कर लिया था कि जब ये हुआ था तो बहुत सारा ऑपोजिशन भी हुआ, आसपास के कुछ कंट्रीज़ ने भी अटैक किया. जो आपकी न्यूली गवर्नमेंट बनी थी या न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उस पर अटैक किया. और इसके बाद जो कन्वेंशन बनाया गया वो कन्वेंशन वॉज गवर्नमेंट दैट वी कैन से इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द हेड ऑफ जैकोबिन क्लब. द नेम वॉज रॉबर्ट रॉबस्पाय. ठीक है, तो उसका नेम जनरली जैकोबिन क्लब्स का जो हेड था रॉबस्पाय का. तो यहाँ पर हम बेसिक कुछ चीज़ें ये पढ़ेंगे कि वो कब बनी थी और कन्वेंशन में गवर्निंग सिस्टम क्या था, कैसे बनाया गया. फिर इसके बाद हम आज के जो वीडियोज़ हैं या इस वीडियोज़ में हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे राइम ऑफ टेरर फैला फ्रेंच फ्रांस में. ठीक है, देखिए, ऑन सेप्टेम्बर 22, 1792 द कन्वेंशन मेट फॉर द फर्स्ट मीटिंग. ये नोटेड करने का पॉइंट है कि सेप्टेम्बर 1792 से इसकी शुरुआत हुई और फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड वॉज बींग देयर एंड देन आफ्टर इट वॉज बीन डिसमिस कर दी गई. फिर डायरेक्टेड प्रिंसिपल बन गया फ्रांस. ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस किया जैसे फ्रांस पहले मोनार्क था, मोनार्क के बाद फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना और उसके बाद अब वो कन्वेंशन बनेगा और कन्वेंशन के बाद 3 ईयर्स तक कन्वेंशन चलेगा. फिर जो मोनार्क में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा वो है डायरेक्टिव, जो कि एक लंबे समय तक चलेगा. डायरेक्टिव के बारे में हम लोग जो फर्दर पोर्शन का डिस्कशन है वो क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में करेंगे, जिसमें हम नेपोलियन के बाद फ्रांस में क्या हुआ था इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जो ड्यूरेशन था कन्वेंशन का वो आपका 92 से 95 का बेसिक ड्यूरेशन रहा. ठीक है, और उसने सबसे पहले फ्रांस को रिपब्लिक बनाया. देखिए, रिपब्लिक यहाँ पर ये कंडीशन की जा रही है कि अब जहाँ पर पहले एक्टिव और पैसिव दोनों सिटीजन्स, दो कैटेगरी के सिटीजन हुआ करते थे, जिनमें से एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग का अधिकार था जबकि पैसिव सिटीजन्स को वोटिंग का अधिकार नहीं था. तो जब वो ये कन्वेंशन बन गई है तो कन्वेंशन में अब जो वोटिंग का अधिकार है वो सबको दिया गया है. तभी हम कह रहे हैं कि सबसे पहले फ्रांस कन्वेंशनल गवर्निंग बॉडीज़ के सिस्टम पे, जो कि 22 1792 से शुरू किया गया था, रिपब्लिक बना था. ठीक है, उसके अलावा जब ये बना तो कुछ पर्टिकुलर डोमेस्टिक आप कह सकते हो ऑपोजिशंस भी थे, जो स्ट्रिप्स डोमेस्टिक ऑपोजिशंस हुए, जिसमें ग्रॉन्डिस्ट था वॉज अ मॉडरेट हु रिप्रेजेंट द रिच मिडिल क्लास ऑफ द प्रोविंसेस. ठीक है, जो मिडिल क्लास को, देखिए अब मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो उनको थी जो गरीब थे और नॉन प्रॉपर्टाइज थे. तो ऑब्वियसली जब ये लोग अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे तो दूसरे जो अमीर हैं उनको ऑपोजिशन तो होना है, तो डेट वॉज द प्रॉब्लम. इसके अलावा जैकोविंस थे लेड टू द मेरिट्स
denotes our spine, represent workers. ये सब इसके basically जो थे वो domestic oppositions थे. Face the opposition from abroad. Opposition का मतलब ऐसे opposition जो conventional government के abroad यानी दूसरी आसपास की countries भी थे. तो उस टाइम पर कुछ और वैसे कंट्रीज थी जिनके नाम हैं ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, हॉलैंड, रूसिया, सर्डेनिया एंड स्पेन, जिनकी कॉलोनीज थी. उन्होंने फ्रांस की कॉलोनीज थे, यानी पर्टिकुलर इन कंट्रीज़ ने जो फ्रांस के कंट्रोल में कॉलोनीज थे, यानी फ्रांस के राजा के कंट्रोल में जो छोटे छोटे राजा थे उन पर इन्वेड किया, अटैक किया. तो उन्होंने क्या किया, ऑपोजिशन शो किया. ठीक है, अब देखिए कन्वेंशनल ने कैसे क्या किया था और कैसे मोनार्की को अबोलिश किया. देखिए कन्वेंशन से पहले मैंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया था. अब यहाँ पे कैसे मोनार्की को एबोलिश किया कन्वेंशनल गवर्नमेंट ने. देखिए द कन्वेंशन एबोलिश द मोनार्की एज लॉन्ग एज द रॉयल फैमिली लिव्ड द मोनार्की कुड बी रिस्टोर्ड. ठीक है, पुट द रॉयल कपल्स इन ट्रायल्स इन टीजन्स एंड कन्विंस्ड वर्स इन अ फोर्स डाउन ऑन द कंक्लूजन. ठीक है, क्या किया, उन्हें लगा कि जब तक रॉयल फैमिली रहेगी तब तक मोनार्च रहेगा, तो उन्होंने रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया. और उसके बाद लुइस 16 को गुलेटेंस एक ठीक है डॉक्टर गुलेटन ने एक डिवाइस बनाई थी. और उस डिवाइस में क्या होता था, एक पर्टिकुलर गुलेटन सेंटर बनाया गया था. इट वॉज़ वेरी डेंजरस. तो आप देखिए कुछ इस टाइप की डिवाइस हुआ करती थी. इसमें क्या होता था, दो एक पर्टिकुलर पर्सन का हेड को पुट किया जाता था लाइक दिस. यहाँ पे हेड रखा जाता था और यह उसको ऊपर से गिरा दिया जाता था. तो उसका सर जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता था. दिस वाज द डिवाइस मेज बाय द डॉक्टर गुलेटन. ठीक है, तो 1793 21 जनवरी को पहले तो लुइस को मतलब कन्वेंशनल जब बनी तो कन्वेंशनल ने पूरी तरीक़ों से मोनार्च को ख़त्म करने की कोशिश की कि मोनार्चिकल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीक़ों से एबोलिश हो जाए. लेकिन उनको ये कंफर्म था कि मोनार्चिकल गवर्नमेंट पूरी तरीके से एबोलिश नहीं हो सकती है जब तक राजा या उसकी फैमिली का कोई भी पर्सन बचा हो. तो उन्होंने राजा की पूरी फैमिली को ट्रायल पे जेल भेज दिया. और उसके बाद 21 जनवरी, बहुत ध्यान से नोट करिए डेट, 21 जनवरी 1793 वॉज द डेट वेन लुइस 16 वॉज किल्ड वाय सेंडिंग हिम टू द गुलेटिन. लुइस 16 को गुलेटिन में भेजा गया और उसको मार दिया गया. इसके बाद उसकी जो वाइफ थी जिसका नाम था मैरी एंटोनी वॉज गुलेटिन ऑन 16 अक्टूबर 1933. देखिए ये सारी डेटेड इज ऑल दीज डेट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो कीप नोटेड डाउन ऑल दिस डेट. ठीक है, उनकी जो डॉटर थी जिसका नाम था मैरी, उसको वॉज अलाउड टू गो टू द वियनास इन 1795. ठीक है, तो उसको आगे मतलब वो नहीं मरी. इसके अलावा उसका जो सन था लुइस चार्ल्स ए के आस लिव्ड 85 to 95 वॉज अ बीटन एंड मिस ट्रीटेड अनटिल द डेड इन द प्रिजन. उसको बुरी तरीक़ों से ट्रीट किया जाता था और फिर वो बाद में कहाँ पे मर गया, जेल में एज अ कैदी के रूप में उसकी डेथ. तो दिस वॉज ऑल अबाउट. ठीक है, तो ऐसे करके मोनार्क जो था वो पूरी तरीक़ों से ख़त्म हो गया फ्रांस में. और अब जो फ्रांस है वो कहीं जैकोबिन क्लब्स या कन्वेंशनल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में आ गए. ठीक है, अब हम आगे इस बात को डिस्कस करेंगे कि कैसे पूरे फ्रांस में एक टेरर की सिचुएशन बन गई ड्यू टू द गुलेटिन. ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.